वार्ड नंबर 2 कोटला की मुख्य सड़कें कई दिन से खुदी पड़ी होने के चलते लोग हो रहे हैं परेशान। चौपहिया और दुपहिया वाहनों के कीचड़ में फंसने से हो रही है दुर्घटनाएं, लोगों में बढ़ रहा है आक्रोश। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony Chauraha Police Line Ajmer or near Kanak Shri Garden Jawahar Nagar Ajmer. वार्ड नंबर 2 कोटड़ा इलाके की मुख्य सड़कों को कई दिनों से सीवरेज पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन और रिलायंस की लाइन डालने के नाम पर खोद कर लावारिस छोड़ दिया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हो रहे कामों के चलते खोदी गई सड़कों का काम कछुआ चाल से चल रहा है, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से सड़कें एक साथ खोद दी गई, जिसके चलते कोटड़ा इलाके के अंदर आवागमन बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका है। कई दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम का इस ओर ध्यान नहीं है। इलाके के लोगों ने मांग की है कि सभी विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित कर एक एक सड़क का कार्य कराया जाए, ताकि लोगों को परेशानी से बचाया जा सके। ठेकेदार द्वारा सभी सड़कों को एक साथ खोद दिया गया है, जिससे कोटला के अंदर प्रवेश करने का कोई भी मार्ग सही नहीं बचा। प्रशासन यथाशीघ्र संज्ञान लेकर क्षेत्रवासियों को राहत दिलाए। यहाँ पे आप खड़े हो और क्या स्थिति है? ये मेन मुख्य रोड है कोटला क्षेत्र का, कोटला में जाने वाला मुख्य रोड है वार्ड नंबर 2 का। आज इसकी स्थिति ये हर आम आदमी आने जाने वाला परेशान हो रहा है, रोड चारों तरफ से खुदा पड़ा है। होना ये चाहिए था कि पहले एक रोड को तैयार करते, फिर दूसरे रोड को तैयार करते। आज सारे रोड खोद के छोड़ दिए इन्होंने। इनका काम जो चल रहा है कछुआ चाल चल रहा, बहुत धीमी गति से चल रहा है, उसकी वजह से आम पब्लिक परेशान है, आने जाने वाले परेशान हैं, लोग स्लिप होकर गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, कईयों के एक्सीडेंट भी हो गए। लेकिन अजमेर नगर निगम इसकी और ध्यान नहीं दे रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत काम का नाम तो हो रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है, सिर्फ नाम हो रहा है, हल्ला हो रहा है, खोद खोद के छोड़ दिए गए, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है, आम पब्लिक परेशान है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि आप इस काम को कीजिए, लेकिन तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से करें। एक रोड को खोदें, पूरा कंप्लीट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट रोड का नंबर लें, ताकि पब्लिक को परेशानी नहीं हो। आज स्थिति यह है कि कोटड़ा क्षेत्र में जाने के लिए कोई रोड ही नहीं बचा है, चारों तरफ से खोद दिया। इंसान आने जाने वाला कहाँ से जाएगा? पैदल जाना मुश्किल हो रहा है, मोटरसाइकिल नहीं निकल सकती, कार नहीं निकल सकती है, मोटरसाइकिल वाले रोज फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं। और काय का काम चल रहा है? ये सीवरेज का और उसका गैस पाइपलाइन और रिलायंस वालों का सब मिक्स हो गया है सारा काम। सब तोड़फोड़ में लगे हुए हैं, काम करने कोई नहीं चाह रहा है, तो रोडे खोद खोद के छोड़ दिए। इसको फंस गया, देखो टेम्पो अभी आप देख रहे हैं, सवारियां फंस गई, कैसे उतर रहे हैं, कैसे चढ़ रहे हैं, सबकी परेशानी हो रही है। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं जल्दी काम हो और एक एक रोड को तैयार किया जाए। ऐसा नहीं हो चारों तरफ से खोद दिया, आप देख लीजिए पूरे कोटड़ा क्षेत्र में घूम के देख लीजिए, पूरे रोड खुदे पड़े, कोई रोड आज की तारीख में अच्छा नहीं है, जिससे आप चल सकें या बाइक से जा सकें। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।